हेलो स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज टेंस। टेंस मींस होता है काल। मोस्टली काल को हम किससे अभिव्यक्त करते हैं? मोस्टली हम लिखते हैं कि काल मींस होता है समय। लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है, वो कहती है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इज कॉल्ड टेंस। यानी क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है, समय कहलाता, सॉरी टेंस कहलाता है। देखो कैसे, किस प्रकार से। यहां पर मैंने लिखा है कि जैसे मैंने कहा कि देर आर सॉरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, तो वी आर टू चेक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। तो देर आर फाइव फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के पांच रूप होते हैं। और क्रिया के पांच रूप कौन कौन से हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म और नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं। जैसे प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब फर्स्ट विद एस और ईएस के रूप में जानी जाती है, पास्ट फॉर्म है वर्ब सेकंड, परफेक्ट फॉर्म है वर्ब थर्ड के रूप में, फिर कंटिन्यूस फॉर्म है वो वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी के रूप में, और नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट विदाउट एस और ईएस के रूप में जानी जाती है। तो इनसे रिगार्डिंग हम सेंटेंस लिख रहे हैं यहां पर। जैसे प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाने के लिए हमने सेंटेंस लिखा है राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। तो यहां पर हमने लिखा ईट्स, यानी वर्ब फर्स्ट विद एस और ई एस। नेक्स्ट राम एट ए मैंगो, यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली हमने। फिर राम हैज ईटन ए मैंगो, यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली। फिर हमने लिखा राम इज ईटिंग ए मैंगो, तो यहां पर हमने कंटिन्यूस फॉर्म काम में ली। और राम विल ईट ए मैंगो, यहां पर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब काम में ली। तो यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी सेंटेंस, तो उस सेंटेंस के लिए कॉमन पैटर्न होता है, वो होता है एस वी ओ सी ए। तो यहां पर ये जो पांच सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इन पांच सेंटेंस में मैंने यहां पर तीन एलिमेंट्स लिए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर राम है, पांच सेंटेंस अपने पास, पांचों सेंटेंस में जैसे राम 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 राम, सभी में क्या लिखा हुआ है? केवल राम लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के रूप में सभी में ए मैंगो है, सभी में ए मैंगो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण भी टेंस नहीं बदला। तो टेंस बदलने का कारण क्या है? टेंस बदलने का कारण है वर्ब, और वर्ब हमने बदली है, तो वर्ब बदलने के साथ साथ यहां पर टेंस भी बदल गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म हमने काम में ली तो ये प्रेजेंट सिंपल बन गया, पास्ट फॉर्म हमने काम में ली तो ये पास्ट सिंपल बन गया, परफेक्ट फॉर्म हमने काम में ली तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, कंटिन्यूस फॉर्म हमने काम में ली तो यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बढ़ा दिया, नॉन फाइनाइट काम में ली तो यहां पर हमने फ्यूचर सिंपल बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से डिफरेंट फॉर्म काम में लेने पर, डिफरेंट फॉर्म हमने काम में ली है, डिफरेंट टेंस बन के आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो यहां पर दूसरी बात हम देखें कि टेंस को अगर लर्न करना है, यानी इफ यू वांट टू लर्न टेंस देन वी आर टू लर्न एच वी और एम वी। यानी प्रत्येक टेंस की हमें एच वी और एम वी को भी लर्न करना है। एम वी के बारे में मैंने बताया अभी अभी कि एम वी जो है केवल पांच प्रकार की होती है। यानी देर आर फाइव फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के कितने रूप होते हैं? पांच रूप होते हैं। और पांच रूप कहां कहां काम में ले जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म है वो केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल में काम में ली जाती है। फिर पास्ट फॉर्म की हम बात करें तो पास्ट फॉर्म है तो ये केवल पास्ट सिंपल में काम में ली जाती है। फिर परफेक्ट की हम बात करें तो परफेक्ट ऑल द परफेक्ट टेंसेज यानी सभी परफेक्ट टेंस हैं, तो संख्या में होते हैं वो तीन। सभी परफेक्ट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म की हम बात करें तो कंटिन्यूस फॉर्म है सभी कंटिन्यूस टेंस में, वेदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, और सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से छह टेंस हो गए।
फिर उसके बाद में नॉन फाइनाइट की हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो केवल और केवल फ्यूचर सिंपल टेंस में काम में ली जाती है। तो देर आर 12 टेंसेस, 12 टेंस, और 12 टेंस में ये 5 मेन वर्ब है वो काम में ली जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रेजेंट सिंपल है, एक पास्ट सिंपल है, 3 परफेक्ट टेंस है, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस है और 3 कंटिन्यूस है, और यहाँ पर एक फ्यूचर सिंपल है। तो इस प्रकार से 12 टेंस हुए, 12 टेंस में केवल इन 5 फॉर्म को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचवी की, यानी कौन से टेंस में कौन सी एचवी काम में लेनी है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि देर आर 3 बेसिक एचवी, यानी एचवी की जहां पर बात होती है तो देर आर ओनली 3 बेसिक एचवी, केवल 3 बेसिक एचवी होती हैं, और वो होती हैं डू, हैव और बी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सभी एचवी जो हैं उनका निर्माण हम डू, हैव और बी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाई है, इसमें मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा सिंपल। सिंपल में जैसे मैंने अभी भी कहा कि डू है और बी 3 एचवी हैं, तो यहां पर डू का प्रयोग किया है, कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग किया है, परफेक्ट में यहां पर हैव का प्रयोग किया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहां पर मैंने हैव बीन का प्रयोग किया है। अब हम टेंस वाइज चले, तो टेंस सबसे पहले हम टेंस लेते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में मान करके आप इसे मानो प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में मैंने अभी भी कहा कि प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब फर्स्ट विद एस और ईएस, तो इसका मतलब प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं इनमें हम इनको सभी को हम वर्ब फर्स्ट विद एस और ईएस में चेंज कर देंगे। जैसे डू है तो डू का, डू की फर्स्ट फॉर्म डू, और डू के साथ एस और ईएस लगा दिया तो डज बन गया। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव, और यहां पर भी हैव की फर्स्ट फॉर्म होती हैज हैव, साथ में हमने बीन लगाया तो हैज हैव बीन। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल की एचवी हो गई डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी हो गई जारम, प्रेजेंट परफेक्ट की एचवी हो गई हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एचवी हो गई हैज हैव प्लस बीन। नेक्स्ट पास्ट टेंस की हम बात करें, तो पास्ट में पास्ट फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पर डू, हैव और बी जो दे रखा है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डू की सेकेंड फॉर्म हो गई डिड, बी की सेकेंड फॉर्म हो गई वॉज वर, हैव की सेकेंड फॉर्म हो गई हैड, और हैव बीन है तो यहां पर हैव की सेकेंड फॉर्म हो गई हैड और बीन का बीन आ गया। तो इस प्रकार से आपकी एचवी हो गई पास्ट टेंस की। तो पास्ट सिंपल की एचवी डिड है, पास्ट कंटिन्यूस की एचवी वॉज वर है, पास्ट परफेक्ट की एचवी हैड है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एचवी यहां पर हैड बीन है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, यहां पर फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं, तो फ्यूचर टेंस में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें एचवी अपनी तरफ से लेनी पड़ती है। यहां पर सेल और विल का निर्माण जो है वो डू, हैव और बी से नहीं हुआ है। यहां पर इसमें हम एक लेते हैं सेल और विल। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बी की फॉर्म लगती है, कंटिन्यूस फॉर्म जो भी है, तो सेल विल के साथ हम अगर बी लगा देते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस की एचवी हो गई। परफेक्ट में हैव लगता है तो यहां पर फ्यूचर सिंपल के साथ यानी सेल विल के साथ अगर हमने हैव लगा दिए तो ये फ्यूचर परफेक्ट की एचवी हो गई। फिर ठीक वैसे ही यहां पर अगर हम हैव बीन की बात करें तो सेल विल के साथ अगर हम हैव बीन जोड़ देते हैं तो ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की एचवी हो गई। तो इस प्रकार से एचवी और एमवी आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें टेंस को लर्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सेंटेंस। सेंटेंस बनाने भी हमें आने चाहिए, तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द सेंटेंस। तो यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस शब्दों का एक समूह है। लेकिन शब्दों का समूह कोई बेतरतीब शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कि राम, सीता, गीता, मोहन, फिर मैंने लिख दिया मिल्क, फिर मैंने लिख दिया ड्रिंक। तो इस प्रकार से अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर उस सेंटेंस का एक मतलब यानी अर्थ नहीं निकलेगा। अगर कंप्लीट अर्थ नहीं है तो इसका मतलब वो प्रॉपर सेंटेंस आपका नहीं है। तो यहां पर कंप्लीट डेफिनेशन होगी इसकी
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकले, जिसका एक सही अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के पांच प्रकार होते हैं। और वो पांच प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा है असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी असरेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहां पर हम देखें आगे कि व्हाट इज एन असरेटिव सेंटेंस। एक असरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो असरेटिव सेंटेंस इज सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू रिलेट एन इवेंट, दैट इज यूज्ड टू रिलेट टू डिस्क्राइब, यानी किसी घटना का वर्णन करने के लिए जिस सेंटेंस को काम में लिया जाता है या जो सेंटेंस हम काम में लेते हैं वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, असरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक वैसे मैंने कहा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। डिक्लेयर का मतलब भी होता है घोषणा करना या बताना, तो ठीक वैसे इसको असरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है। दीज सेंटेंसेज मे बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये सेंटेंस है ये तो या तो अफर्मेटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, शी लव्ड हिम वेरी मच एंड वॉन्टेड हिम टू बी अलाइव बट शी कुडंट फाइंड एनी मेडिसिन। यहां पर जहां तक आप इस इवेंट को चेक करते हो या फिर सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो ये कंफर्म है, मैंने अभी भी कहा कि आइदर दे में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं किसा गौतमी हैड लॉस्ट हर ओनली सन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वॉज डेड, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी लव्ड हिम वेरी मच, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड वॉन्टेड हिम टू बी अलाइव, और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट शी कुडंट फाइंड एनी मेडिसिन, किंतु उसे कोई दवा न मिल सकी, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो असरेटिव सेंटेंस मे बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस पे हम चलते हैं, सेकेंड सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू इंटरोगेट, दैट इज यूज्ड टू इंटरोगेट, दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, जिसका प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बजाय नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहां पर हमने देखा हैव यू गॉट योर असाइनमेंट, यहां पर ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें नॉट का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैवंट यू गॉट योर असाइनमेंट, तो यहां पर देख रहे हो आप कि हैव के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आज्ञार्थक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू सो कमांड, जिसका प्रयोग कमांड दर्शाने के लिए, रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए, सजेशन दर्शाने के लिए, प्रपोजल दर्शाने के लिए, फिर प्रोहिबिशन दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस की दूसरी पहचान अगर देखी जाए तो ये मोस्टली किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो सकते हैं, लेट से स्टार्ट हो सकते हैं, डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं, नेवर से स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, यानी इन सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव होता है, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ओपन द डोर यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज गिव मी सम फूड, इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेट्स प्ले ए क्रिकेट मैच, इस सेंटेंस में भी कहीं पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको सब्जेक्ट के बिना लिखा जाता है, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू शो जॉय, सरप्राइज और शोर, या फिर हम कहें
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू शो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अचानक और प्रबल भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन सेंटेंस को काम में लिया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यहां पर हमने कहा व्हाट ए कार, अब आप कहोगे सर व्हाट ए कार में क्या सडन है, या का एक हमारे सामने कोई गाड़ी आई जो हमारे मन को भा गई तो हम अचानक उसको देख करके बोलेंगे व्हाट ए कार। फिर नेक्स्ट अलास आई एम रूइंड, चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद मोस्टली जैसे हम पुकारते हैं कि अलास आई एम रूइंड, या सॉरी अलास आई गॉट इंजर्ड, ठीक है, या फिर हुरे वी हैव वॉन द मैच, मैच चल रहा है, जबरदस्त मैच चल रहा है, उसमें अगर हमारी जीत हो जाती तो हम चिल्ला करके बोलते हैं हुरे वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो सेंटेंस है इन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जो विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं हिंदी में, जिनको हम कहते हैं विस्मयबोधी वाक्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इज सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू शो ग्लेस, कर्ष और विश। इन सेंटेंस की पहचान है कि मोस्टली सच सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे, किसे स्टार्ट होंगे, मे से स्टार्ट होकर के एंड होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, किसे स्टार्ट होंगे मे से, और मे से स्टार्ट होकर के एंड होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से, जो कि किसको दर्शाएंगे, ब्लेस को, कर्स को और विश को शो करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ, कि भगवान आपको एक लंबी और सुखद जिंदगी दे। तो यहां पर अगर गॉड इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, ब्लेस कहेंगे, आशीर्वाद है। प्लस यहां पर जैसे गॉड इन्वॉल्व है, प्लस में अगर वेल विशेज है, वेल विशेज है, तो ये क्या है आपका, ब्लेस है, आशीर्वाद है। मे यू बी फेल्ड, आप फेल हो जाओ तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्स कहेंगे, ये क्या है, कर्स है। और मे यू गेट गुड जॉब, आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो ये एक अच्छी कामना है, और अच्छी कामना है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक वेल विशेज है, या फिर हम इसको विश कह सकते हैं।